तो उसे दोनों जगह दिखाया गया। पहले तो फिर मुझे यहाँ गोरखपुर में ही मेंटल हॉस्पिटल है वहां ले जाके दिखाया गया कि देखिए क्या होता है। तो वो लोग क्या करते थे, रिकॉर्डिंग किए थे कि ताकि ये ठीक हो जाएगी तब हम इसको सुनाएंगे कि ये कैसे कैसे बोलती थी। तो ये विश्वास नहीं करेंगे, उनकी आवाज आती थी, मैं जो बोलती थी मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आती थी। रिकॉर्डिंग ये ऑडियो, हाँ रिकॉर्डिंग में उन्होंने डेट दे रखा था इस दिन को, और इस तरीके से मतलब छत पे हमें ले जाती, वहां से कूद के इसको खत्म कर देना है, ऐसा था उनका। फिर देखते हुए थोड़ी देर बाद मुझे सपना आता है, कोई कंबल ओढ़े हुए मेरे पीछे है और वो हमसे कह रहे हैं कि बच्चा तुम ठीक हो जाओगी, तुम टेंशन ना लो, मैं तुमको बताता हूँ तुमको वहां जाना है। जब मेरा काम अच्छा चल रहा था तो होता है ना कुछ लोगों को जलन होने लगती है, yes. तो उस जलन को देख के मेरे अंदर थोड़ा सा तो घमंड जो बोलते हैं ना ये आ गया था, और यही गलती मैंने की थोड़ी सी। ये यही तो है, यही तो लीला है, असंभव को संभव केवल वे ही कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मैंने उदाहरण देखे हैं, फर्श से अर्श तक की कहानियां सुनी है, उसमें आपका ये उदाहरण जैसे कई महिला भक्तों से, इनफैक्ट पुरुष, हम जैसे पुरुष भक्तों को भी मोटिवेट करेगा कि नहीं, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो मगर जीवन में कभी भी प्रभु पर से अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम अंजलि कुशवाहा है और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की रहने वाली हूँ, और फिलहाल मैं अभी गोरखपुर में रहती हूँ, एक बैंक में जॉब करती हूँ मैं अभी। ओके, आप यूपी में रहते हैं और एक बैंक में जॉब करते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया अपने बारे में बताने का, अपने अनुभव के बारे में बताने का। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि मतलब बचपन से ऐसा होता है ना कि पूजा पाठ चलता रहता है फैमिली में, तो वहां से मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मम्मी को देख देख के मैं भी पूजा पाठ करना शुरू की थी। तो एक पहला जो मेरा अनुभव था, पहले मैं शिव भक्ति थी, शिव जी की पूजा करती थी, बहुत मानती थी मैं उनको। तो जब मैं छोटी थी तो ऐसा होता था कि मतलब एक भाई चाहिए होता है ना, रक्षाबंधन आता है तो भाई को देख के लगता है ना कि हाँ मेरा भी कोई भाई हो। तो उस टाइम क्या था कि शिव जी का पूजा करती थी मैं, सामने छोटा सा शिवलिंग था, मैं आई थिंक उस टाइम पे 4 या 5 साल की थी। तो डेली उस टाइम पे मैं, ठंडी का टाइम था, मैं ठंडे पानी से ही नहा के डेली पूजा करती थी, बोलती थी भगवान जी मुझे एक भाई दे दो। तो ऐसे करते करते मुझे एक भाई मिला भी, बिल्कुल उन्हीं की तरह वैसे ही है। तो पहला तो मेरा यहीं से अनुभव था कि उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे भाई दिया, ये अनुभव था। मैं शिव जी के साथ ज्यादा ही लगाव था मेरा, फिर पहला तो मेरा अनुभव ये है। दूसरा अनुभव ये था कि शिव जी से मैं कब कनेक्ट हो गई हनुमान भैया पे, ये मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था उस टाइम पे, और मैं किसी के मतलब परिजन के यहाँ गई थी वहां पे, तो वहां होता है ना गांव में कुछ लोग होते हैं जो नजर वगैरह लगाते हैं, तो मुझे किसी ने ना नजर लगा दी थी, वो भी बहुत ही भयंकर वाला था नजर, नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं तरीके से। तो उन्होंने ऐसा कर दिया था मुझे कि मतलब एकदम पागलों जैसा कर दिया था, बना दिया था।
जब मैं उनके यहाँ गई थी ना, उनके घर के साइड गई थी, तो उन्होंने मुझे देखा था और उसी टाइम से मेरे बॉडी में चेंजेस होने लगे, मुझे गुस्सा आने लगा और कंधे पे भारी जैसा महसूस होने लगा कि मतलब कुछ तो है मेरे कंधे पे, ऐसा लगता था। तो फिर मैंने क्या हुआ कि जब ऐसा होता है ना कि जो तांत्रिक वगैरह सीखते हैं ना, तो उनका ये था कि उन्होंने टाइमिंग दे रखी थी कि इस टाइम पे उसको मतलब वो प्रभाव दिखाएगा। तो मैं जो एग्जाम देके आई, और एग्जाम देके आने के बाद शाम का टाइम था और मैं घर पे बात कर रही थी, और उस टाइम पे क्या है, फ्रूट्स होते हैं ना अंगूर, अंगूर जैसे ही मैंने खाया वो ऐसे फंसा ना मेरे गले में कि मेरी सांस ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, मैं एकदम से खांस रही, एकदम से खांस रही, मेरा खांसी रुक ही नहीं रहा था, सांस भी नहीं ले पा रही थी, मैं वहीं बेहोश हो गई। फिर मुझे मतलब लेके गए लो हॉस्पिटल, खांसते खांसते हालत खराब हो गई थी मेरी। तो हुआ यूं कि मतलब जैसे बेहोश का इंजेक्शन अगर लगा देंगे तो थोड़ा सा शांत हो जाएगी, गले को आराम मिलेगा। भैया आप मानेंगे नहीं कि मुझे इंजेक्शन लगा था बेहोशी का, 5 इंजेक्शन, और मैं बेहोश नहीं हुई, मैं ऐसे ही होश में ही रही। फिर मुझे जब वो छोड़ा गया अकेला हॉस्पिटल में ही, तो मुझे अंदर से ऐसा फील होता कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आया था। मैंने तो होता है ना, सुने थे पहले कि ये नेगेटिव एनर्जी भूत वगैरह पकड़ते हैं, ऐसा बिहेव होता है, तो मुझे ना अंदर से वैसी फीलिंग आने लगी थी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां कैलेंडर रखा हुआ था, मैंने सुना शायद उन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, तो मैं वो कैलेंडर पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मेरे ऊपर अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी तो मैं वो चीजें पढ़ लूंगी। तो मैंने वो पढ़ा भी, मैं कह रही यार मैं तो ठीक हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर सोचने लगी कि इंजेक्शन लगा है 5, मैं बेहोशी नहीं हुई, फिर खांसे जा रही, और इतना बोल रही थी, मैं इतना बोल रही थी कि सब हैरान थे कि क्यों इतना बोल रही है, जो मैं हमेशा शांत रहने वाली लड़की हूँ, बहुत शांत रहती हूँ मैं, लेकिन उस टाइम पे बेमतलब का मैं बोले जा रही थी। तो फिर डॉक्टर भी हैरान थे, उन्होंने कहा इनको कहीं और लेके जाइए, आप कहीं और दिखाइए। तो मुझे लेके गए लोग, गांव में ही एक लेडीज हैं वो देखती हैं, तंत्र विद्या वगैरह वो सब ठीक करती हैं वो, तो उनके वहां लेके गए लोग। तो वहां पे क्या हुआ कि एक मेरे साथी के थे, वो भी परिजन थे, तो उनको लगा कि ये सारी चीजें कुछ नहीं होती हैं, तो जो मुझे देख रही थी, सही कर रही थी, झाड़ फूक कर रही थी, उनको ये बात चुभ गई कि इनको मतलब इन सब चीजों में विश्वास नहीं है, और इसलिए उन्होंने मेरे को ठीक नहीं किया। वो बोली कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पानी पे कुछ फूक के दे दी और कह दी ले जाइए, कुछ नहीं हुआ है, वो गुस्से में बोलती वो। लेकिन जब वो वहां से लेके गए लोग ना, मेरी हरकतें थोड़ी सी अलग होने लगी थी, गरम गरम जो चाय है वो मैं एक ही बार में पी जा रही थी। तो ये सब देख के सब लोग हैरान थे कि ये क्या हो गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इसको जो सरक गया, मतलब वो पानी जो होता है वो नस में शायद चला गया होगा, इसलिए दिमाग डिस्टर्ब हो गया इसका। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सब नेगेटिव चीजें, तो दो लोग दो तरह की बातें, तो उसे दोनों जगह दिखाएगा। पहले तो फिर मुझे यहाँ गोरखपुर में ही एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहां ले जाके दिखाया गया कि देखिए क्या होता है। तो वहां लेके गए, डॉक्टर ने कुछ नहीं पूछा, नॉर्मली पूछा नींद आती है कि नहीं आती, मैंने बोला नींद नहीं आती है, और वहां भी मैं बोले जा रही थी, कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी। तो उन्होंने पता नहीं कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी, ज्यादातर उसमें नींद की दवा थी, तो 1 हफ्ते की दवा दी थी उन्होंने। तो 1 हफ्ते मैंने वो दवा खाई और मैं नींद में ही थी, नींद में भी बोलते रहती थी। अब भैया विश्वास नहीं करेंगे, जो मतलब मुझसे दूर रहते थे, जो लोग मुझसे हाल चाल लेना बात करना चाह रहे थे, तो मुझसे बात करते थे, उस टाइम मैं बच्चों जैसे बिहेव करती थी, बच्चों जैसी बोलती थी मैं, तो वो लोग क्या करते थे, रिकॉर्डिंग किए थे कि ताकि ये ठीक हो जाएगी तब हम इसको सुनाएंगे कि ये कैसे कैसे बोलती थी। भैया विश्वास नहीं करेंगे, उनकी आवाज आती थी, मैं जो बोलती थी मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आती थी, ये रिकॉर्डिंग ऑडियो, हाँ रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आती थी। अब जब मैं एक तो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग होगी उस पे भी वहां भी आवाज नहीं आई, और दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो मैं हरकतें कर रही थी, बच्चों जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना खेलते हैं बात बात करते हैं, उस टाइप का कर रही थी मैं। तो मेरे भैया थे तो उन्होंने मतलब वीडियो बनाया, उस वीडियो में भी सबकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा हो गया था। फिर जब वो वीडियो उन्होंने चला के देखा, कह रहे कुछ तो है ये, मतलब दवा से ठीक नहीं होगा ये। बिल्कुल तो मुझे उन परिजन लोगों ने मुझे लेके गए वहां उन लेडीज के पास जहां पहले लेके गए थे, जिन्होंने उस टाइम पे नहीं देखा था, सिर्फ उस बात की वजह से कि वो नहीं मानते इन सब चीजों को। तो कुछ लोगों ने बोला कि वो जिद छोड़ दीजिए, इस बच्चे की लाइफ का सवाल है, आप इसको पहले ठीक करिए, आपका यही काम ही है ठीक करना। और तो उन्होंने ठीक तो किया, लेकिन क्या हुआ कि
पूरी तरीके से ठीक नहीं किया। और ये भैया ठीक कैसे हुआ मैं बताती हूँ आपको। ये उस दिन लेके गए थे लोग, जिन्होंने मेरे ऊपर जो नशा लगाया था उनका एक, उन्होंने सीखते टाइम पे ऐसा होता है ना कि मतलब किसी के ऊपर सीखते हैं वो लोग, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो जो उनका बच्चा था, जो मैं बता रही थी ना बच्चे जैसा बिहेव कर रही थी मैं, वो उनका बच्चा ही था। उनका बच्चा जब उन्होंने डेट दे रखा था इस दिन को, और इस तरीके से मतलब छत पे हमें ले जाके वहां से कूद के इसको खत्म कर देना है, ऐसा था उनका। तो वो जो बच्चा उस टाइम पे आया और बोला कि ऐसा है कि इनको ले जाके दिखाइए, वो रो रो के, मैं ही बोल रही थी, रो रो के बोल रही थी कि इसको ले जाओ दिखाओ, नहीं तो आज ही खत्म हो जाएगी। तो सब लोग परेशान हो गए और फिर लेके गए थे उनके यहाँ ही। तो सारी चीजें उनको बताया, तो उनको पहले से ही पता था, वो बोल रही थी हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं मुझे पता था, और तुम लोग दोबारा आओगे भी ये भी मुझे पता था, मेरे पास ही आओगे। तो फिर उन्होंने ठीक किया, उस वजह से ठीक तो हो गई लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हुई थी। तो क्या हुआ कि मतलब गांव में ऐसी चीजें होती है, मैं कहीं भी दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ फीस वगैरह पैसा वगैरह लेते ही हैं लोग देखने के लिए ये सब चीजें। तो एक तरीके का बिजनेस बना रखा है, अभी कहीं कहीं पैसा होता है। तो फिर क्या हुआ कि दोबारा जो है मेरा इतना अग्रेशन हो गया था ना, इतना गुस्सा आता था मुझे, सबसे लड़ाई कर लेती थी, किसी की बात नहीं सुनती थी, अकेले रहना मुझे पसंद था, और कोई भी कुछ बोल दे मुझे चिड़चिड़ापन सा होने लगा था। तो क्या हुआ फिर पापा ने, मेरे पापा ने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ो सब कुछ सही हो जाएगा। पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे सिर्फ सैटरडे में या ट्यूसडे में पढ़ते थे, नॉर्मली जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तब प्रेयर में ये पढ़ाया जाता था। तो उस टाइम पे क्या हुआ जब वहां से दूसरे स्कूल में गई तो वहां ये मतलब नहीं था प्रेयर में, तो वो चीजें छूट गई थी, मैं शिव जी को ही ज्यादा मानती थी। लेकिन जब यहाँ पे आई तो फिर मेरे पापा ने बोला कि तू हनुमान चालीसा पढ़ो देखो सब सही हो जाएगा। तो फिर मैंने भी 7 बार हनुमान चालीसा नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं मैं वैसे पढ़ते गई, पढ़ रही थी। थोड़ा बहुत असर होता था कि हाँ मतलब गुस्सा जो पहले होता था थोड़ा सा कम हुआ था, पूरा नहीं थोड़ा ही कह सकते हैं कम हुआ था। तो चलता रहा चलता रहा, फिर लॉकडाउन का टाइम आया। भैया ये तीसरा अनुभव होने वाला है मेरा। ये जब मैं लॉकडाउन का टाइम आया था तो मेरे एक परिजन है बहुत करीबी, वो एक्सीडेंट में डेथ कर गई थी। तो क्या हुआ था कि मैं जब न्यूज सुनी, जैसे आज ही एक्सीडेंट हुआ था सुबह में, रात में मैंने न्यूज सुना ये, और मेरी रो रो के हालत खराब। उस टाइम पे मैं लखनऊ में जॉब कर रही थी जब पहला लॉकडाउन था उस टाइम पे भैया, तो रो रो के मेरा हाल खराब, एकदम परेशान हो गई थी मैं, ऐसे कैसे हो सकता है ये, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा ही सोच लिया था। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ था ना कि उनकी जो मतलब एनर्जी थी वो मेरे ऊपर इफेक्ट कर रही थी। जब तक होता है ना 14 दिन का काम होता है, जब तक 14 दिन बीत ना जाए उसके बाद ही सब कुछ सही होता है, वो 14 दिन मुझे इतना परेशान की थी, इतना परेशान, वो अपने साथ मुझे ले जाने को तैयार थी। वो मुझे सपने में दिखती थी, ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है, और उनके साथ जो यमराज बोलते हैं ना, अब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सपने में उनको भी देखा। वो कह रही थी कि यही हमको लेके गए हैं और मैं तुमको भी इन्हीं के साथ लेके जाऊंगी। मैं देखती थी वो लेके जाती थी, लेकिन ये है कि मैं सपने में जय श्री राम जैसे ही बोलती थी ना, वो मेरा हाथ छोड़ देती थी और मैं फटाक से मेरी नींद खुल जाती थी। ऐसी कृपा थी उनकी, भले ही मैं उतना मन से नहीं करती थी, वो मेरा जो चालीसा करती थी वो उसी की कृपा थी भैया, उसी चीज की। मतलब 14 दिन ऐसे ही बीते, फिर भी मैं वो अग्रेशन मेरा कम नहीं हुआ, कंटिन्यू चलता रहा। घर में किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं अकेले झेले जा रही, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, इतने साल से मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब चीजें। फिर क्या हुआ भैया, मैं इतना लड़ाई झगड़े होने लगे ऑफिस में बाहर, सबसे मैं लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दी थी, इतना अग्रेशन था मेरे अंदर। तो मैं क्या हुआ ना, एक दिन ऐसे ही बैठी थी, मंदिर बना रखा था मैंने, तो वहां पे मैं पूजा कर रही थी। वहीं पे क्या हुआ कि वीडियो खोला, पूजा कर रही थी, कुछ करने का मन नहीं हुआ, लॉकडाउन था उस टाइम पे भी, तो मैंने ये अपने यूट्यूब खोला तो मैंने बाबा नीम करौली के बारे में देखा कि ऐसी ऐसी है वहां, चीज जाते हैं चीजें सही होती हैं और बोलते हैं ना मन की शांति मिलती है वहां पे। तो मेरे
अंदर पता नहीं क्यों ऐसा भाव आया कि मुझे भी जाना है, और मैं ऐसे बोलने लगी बाबा मुझे प्लीज ठीक कर दो, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, कैसे ठीक हो जाऊं, सबसे बोल चुकी हूँ, भक्ति भाव में मेरा मन हमेशा से लगा है, सबसे कहती रही मुझे ठीक कर दो, कोई समझता नहीं था। तो क्या हुआ कि मैं, मेरे पास जो है उनकी फोटो नहीं थी, मेरा ऐसा है कि पेंटिंग थोड़ा बनाने का मुझे शौक है, तो मैंने क्या किया कि उनकी फोटो निकाली यूट्यूब से और पेंटिंग बनाई, और रोते रोते हुए बनाई मैंने वो पेंटिंग बना के, और वहीं पर रख के, सामने मंदिर है उनके और नीम करी बाबा पेंटिंग बनाए, और वहीं पे मैं रोते रोते सो गई, ये बोलते बोलते कि मुझे कैसे भी कर रहे हो ठीक करो, मैं नहीं जानती हूँ कि आप कैसे ठीक करेंगे और आप ही ठीक करेंगे मुझे, मैं वहीं सो गई। फिर देखते हुए थोड़ी देर बाद मुझे सपना आता है, कोई कंबल ओढ़े हुए मेरे पीछे है, और वो हमसे कह रहे हैं कि बच्चा तुम ठीक हो जाओगी, तुम टेंशन ना लो, मैं तुमको बताता हूँ तुमको वहां जाना है जी। तो मैंने बोला नहीं आप ही हमको ठीक करेंगे, तो कह रहे हैं कि ठीक तो मैं करूंगा लेकिन तुमको वहां जाना पड़ेगा। तो वो बताए मेहंदीपुर बालाजी, जो कि मैंने कभी नाम नहीं सुना था, मेहंदीपुर बालाजी कभी नाम नहीं सुना था, और वो उनके साथ बाबा जी के साथ एक लेडीज भी माता जी रहती हैं, नाम तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन बोला जाता है कि उनके साथ एक माता जी रहती हैं जी। तो वो भी उनके साथ में थी, तो वो भी कह रही है, उनके भी दर्शन हुए मुझे, वो भी कह रही है बेटा तुम वहां जाओ, तुम्हारा जितना भी दुख तकलीफ है वहां ठीक हो जाएगा। तो दोनों लोगों ने मुझे आशीर्वाद भी दिया, मैंने उन लोगों के पांव भी छुए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये बाबा जी ही हैं। उस टाइम तक मैंने नहीं समझा था कि वो बाबा जी, जबकि मैंने पेंटिंग भी बनाई थी सेम वैसे ही कंबल ओढ़े हुए ही, नहीं समझ में आया। उसके बाद से फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आंखें खोल के मैं देखूं तो एक बार सही, पीछे मुड़ के तो देखूं, आंखें खुली नहीं, लेकिन जब खुली तो वहां कोई नहीं था गायब। उसके बाद से मैंने सर्च करना शुरू किया मेहंदीपुर बालाजी, एग्जैक्ट वो होते हैं मंदिर, मैंने कभी आज तक नहीं देखा था, लेकिन जब देखा ना भैया मैं बहुत रोई, बहुत रोई, तो भगवान जी मेरी सुनते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, मैंने कॉल करके बताया ऐसा ऐसा है, मुझे एक बार जाना है वहां पे, तो फिर मम्मी जो है घर वाले रेडी हुए, फिर हम मम्मी भाई वगैरह गए वहां पे, वहां पे गए भैया, जब हमने एंटर किया वहां पे तो ऐसे ऐसा नजारा देखने को मिला कि जो कि देख के तो डर लग जाता है जी। ऐसे ऐसे लोग वहां इतने, मतलब ऐसे ऐसे शक्तियां वहां निकल के आती है ना कि वहां किसी का नहीं चलता है। मैंने देखा, फिर घबराहट हो रही थी मुझे अंदर से, क्योंकि वो चीजें थी कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे ही मैंने दर्शन किए ना, मेरा सारा घबराहट वहीं दूर हो गया, बॉडी एकदम हल्की हो गई, मैं वहीं बैठी रही उनके सामने, लकली मुझे जगह मिल गई, वैसे तो बैठने को वहां जगह नहीं जल्दी मिलती, लेकिन मुझे लकली उनके सामने बैठने की जगह मिली और मैं वहां बैठी, सब उन्हीं की कृपा है, मैं वहां बैठी और एक घंटे के लिए कब बैठे बैठे मुझे नींद आ गई, और नींद सपने में वो साक्षात मुझे सामने तो थे ही, सपने में भी उस दिन दिखे, कह रहे तू आ गई ना तो ठीक हो जाएगी अब, और ये सपना देख के मेरी नींद खुली, मैं एकदम वो होता है ना खुशी, खुशी बता नहीं पा रही थी कि मैं कितना खुश थी। वहां से ये मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था, मैं किसी को बता नहीं सकती थी, खुश थी। उसके बाद से मेरा डेली का था हनुमान चालीसा पढ़ना है, और उनको भाई मान चुकी थी, वहीं से मैं उनको भाई मानना शुरू कर दी थी कि अब जो भी है आप मेरे भाई हैं। बोलते ना कि लड़कियों को पूजा नहीं करना चाहिए हनुमान जी की, लेकिन मैंने उस टाइम पे बोला था कि छू नहीं सकते हैं, बस पूजा कर सकते हैं, तो मैंने बोला ठीक है मैं दूर से ही पूजा करूंगी। लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा भैया, एक वीडियो में आपने बोला था कि भाई या पिता समान मान के उनको पूजा करना चाहिए, कर सकते हैं पूजा, इसमें कोई वो नहीं है, और जो संकल्प की बात है ना भैया, वो सारी चीजें मैंने आपकी वीडियो ही देखना शुरू किया। हुआ ये था कि दूसरा जब लॉकडाउन आया था तो उस टाइम पे जो है जॉब वगैरह चली गई थी, जॉब चली गई, फिर मैं घर पे गांव में शिफ्ट हो गई। वहां आने के बाद मेरी होता है ना कि जब इंसान खाली रहता है तो दिमाग ज्यादा इधर उधर चलता है, तो हमारा ज्वाइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, और जब दिमाग खाली रहे, गुस्सा आए तो ऐसे ही एग्रेसिव मेरा था
थोड़ा बहुत छूटा था, उतना नहीं था मेरा। तो फिर क्या हुआ कि जॉब के लिए मैं बहुत परेशान थी, और घर पे कोई मतलब मैं किसी से गुस्से में बोल देती थी तो कोई मुझसे बात करता नहीं था, तो मैं अकेले रहती थी, एकदम डिप्रेशन में चली गई थी जॉब की वजह से, कि जॉब नहीं मिल रहा है मुझे, कुछ ना कुछ करना है, ऐसे नहीं बैठना है। तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। मन मैं तो सोचती थी क्या है जिंदगी, हमको नहीं जीना है ऐसी जिंदगी, हमको बिल्कुल नहीं जीना है कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है कि मैं क्यों ऐसे डिप्रेशन में जा रही हूँ। सबसे बोलती थी कोई जॉब बता दो मुझे, ऐसे मुझे खाली रहूंगी तो मेरा दिमाग ऐसे ही चलेगा। तो नहीं किसी के पास था। जब मैंने आपका वीडियो देखा, आपने संकल्प के बारे में बताया कि जी संकल्प लेके अगर कुछ चीजें मांगी जाती है तो वो जरूर पूरा होता है। तो मैंने पहला जब संकल्प लिया था, 7 दिन का संकल्प लिया था, तो मैंने कुछ बोला नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला था। मैंने सिर्फ नॉर्मली ही संकल्प लिया था कि मुझे बस मन को शांति, अपने मन की शांति के लिए मैंने वो संकल्प लिया। 7 दिन का संकल्प था। वो संकल्प जब पूरा हो गया तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि हाँ ठीक है, संकल्प लिया जाता है। मैं पहले नॉर्मली पढ़ती थी तो कुछ नहीं असर होता था, और उस टाइम पे जो जो आपने बोला था ना कि भाई मान के पूजा कर सकते हैं, छू सकते हैं, तब मैंने उस दिन से मैंने उनको भाई माना, और उनका मतलब सब सेवा वक सब करती थी मैं। मूर्ति थी हमारे यहाँ, वो सब सेवा वक करती थी, उनका छूती थी उनको भाई मान के। तो क्या हुआ कि पहला संकल्प पूरा हो गया। फिर उसके बाद आया उनका जन्मदिन 6 अप्रैल को, पिछले से पिछले साल का। तो हुआ ये कि होता है ना कि मतलब अपने लोगों का बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, एक्साइटमेंट होता है। तो मेरा भी था कि मुझे भी कुछ उनको देना है, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे भी उनको कुछ देना है, लेकिन मैं क्या ही दे सकती हूँ, ये सोची थी मैं। फिर मैंने सोचा, अपने मंदिर की तरफ देखा तो मैंने सोचा कि राम दरबार नहीं है, कुछ तो कमी है, राम दरबार नहीं है, ये क्या उनको दिया जा सकता है। बात तो फिर मैं मार्केट से राम दरबार लेके आई उनके लिए। उसकी फोटो भी मैं भेज दूंगी भैया, मैंने जो ली थी, और उनको मतलब पूजा वगैरह किया, उनका पाठ किया, और जो बजरंग बाण जो था वो मैंने उनका 108 बार बजरंग बाण पढ़ा था, क्योंकि जॉब के लिए ही। जी मैं उनसे तो बोल नहीं रहती थी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने ऐसे वीडियो देखते देखते मेरे मन में आया कि ये चीजें बोलेंगे तो जॉब मिल जाएगी। तो मैंने उसी गुस्से में, लेकिन मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं कि प्यार से बोलना, एकदम हक जता कि नहीं मुझे आप दिलवाओ, ऐसा हक जता कि मैंने बोला था, जो कि मैंने गलती की थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने किया वो। मैंने 108 बार बजरंग बाण पढ़े, लेकिन एनर्जी जो उसकी होती है ना पढ़ने के बाद, जो एनर्जी फील होता है भैया, एकदम बता नहीं सकते, अलग ही एनर्जी होती है वो चीज गई। फिर मैंने दूसरा संकल्प लिया जॉब के लिए कि आप कुछ भी हो, जॉब चाहिए मुझे। दूसरा जब संकल्प लिया मैंने, तो उसमें क्या हुआ कि 11 दिन का मैंने संकल्प लिया उस बार, 11 दिन के लिए। उसमें से मेरे जो है, बोलते हैं ना संकल्प अगर पूरा होता है तो आपको इस बीच में आपको दर्शन होते हैं, या तो बंदर के रूप में हो या स्वप्न में हो, कहीं भी हो दर्शन मिलेगा। तो 4-5 दिन हो गया तो मुझे दर्शन नहीं मिल रहा था। मैं सारा उनके लिए जल वगैरह खाने के लिए सारी चीजें रखती थी, तो मैं कह रही सब कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्यों नहीं आप दर्शन दे रहे, क्या गलती हो गई है मुझसे, कुछ कमी है तो भी बताइए मुझे, सपने के जरिए ही बताइए, चाहे बंदर के रूप में कहीं ना कहीं तो दिखाइए। तो 4 दिन 5 दिन में उन्होंने नहीं दिखाया। तो मैंने क्या किया, मेरी ये गलती है भैया, मैं जो पानी रखती थी ना उनके लिए, वो पानी रखना मैंने बंद कर दिया गुस्से में। मैं नहीं रखूंगी पानी, बस खाने के लिए रखती थी मैं, पानी नहीं रखती थी गुस्से में। वो पानी रखे हुए 2 दिन हुए थे, 2 दिन मैंने पानी नहीं रखा था भैया। उसी दूसरे दिन रात में मुझे सपना आ रहा है, साक्षात साक्षात हनुमान भैया, जैसे हम देखते हैं ना फोटो में वैसे दिखे मुझे, आके कह रहे हैं मुझसे क्यों इतनी नाराज है, तो हमेशा गुस्सा करती रहती है, तो क्यों इतनी नाराज रहती है तुम मुझसे, तू मुझे 2 दिन से पानी तक नहीं दे रही है, तेरे ही हाथ से मैं पानी पीऊंगा, देख मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। और भैया मैं बता नहीं सकती, ऐसा लगता है जैसे मूवी में देखते हैं ना वो सारी चीजें, वैसे मुझे देखी, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हनुमान भैया ऐसे। मैंने उनको अपने हाथों से पानी पिलाया भैया, नहीं बता सकते कि कैसा वो एक्सपीरियंस था। मैंने उनको अपने हाथों से पानी पिलाया, उन्होंने उसी हाथ से मुझे सर पे यहाँ पे रख के मुझे आशीर्वाद भी दिए उन्होंने। बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा, हाँ कोई तो है मेरा, कोई है जो मुझे सुनता है समझता है,
क्योंकि मुझे उस टाइम तक लगता था कि कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है मेरा सुनने वाला इस टाइम पे। लेकिन जो वो दर्शन दिए ना, तब मुझे विश्वास हो गया, नहीं वो है मेरे साथ और वो सुनते हैं मेरी बात। और मानेंगे नहीं भैया, उसके एक हफ्ते बाद ही ऐसे ही मुझे यूट्यूब से ही सारी चीजें मुझे मिली है। यूट्यूब से ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, एक जो जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ उसी की वैकेंसी निकली हुई थी, तो किसी ने नोटिफिकेशन डाला था यूट्यूब पे ही। अब मैंने उनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो नोटिफिकेशन आया कि वैकेंसी निकली हुई है और सैटरडे में इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं था, मैं एकदम समझने से मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मतलब मैं खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रही थी। मैंने वो लोकेशन चेक किया, कहाँ है, कैसे है, आई मैं इंटरव्यू देने। भैया माने, मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। और आई यहाँ पे, एग्जाम होता है सबसे पहले, और उसमें ज्यादातर मैथमेटिक्स ही था। मुझे मैथ्स उतना नहीं आता है क्योंकि मैं बायो की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैथ्स उतना नहीं आता, और मैथ्स इसमें इतना टफ था। मैंने 2-3 क्वेश्चन मैथ्स के देखे तो मैं मुझे लगा कि ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं भी क्या कि ऐसे टिक करते गई, 20 क्वेश्चन थे, बिना पढ़े मैंने टिक कर दिया। और विश्वास नहीं करेंगे भैया, वो एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर लिया, वो तीसरे नंबर में मैं आई, जो कि विश्वास ही नहीं था कि मैं पास हो गई। मुझे लगा कि मैं तो, मुझे मैथ्स आता नहीं है, मेरा नहीं हो पाएगा, यहाँ से भी मुझे लगता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा खाली हाथ ही। लेकिन मैंने एग्जाम शुरू करने से पहले बोला, भैया देखिए आपने ये रास्ता दिखाया है और आप ही के रास्ते दिखाने पे मैं यहाँ आई हूँ, और आगे जो भी होगा आप ही देखेंगे, आप ही संभालेंगे। ये बोल के मैंने वो सारे जो क्वेश्चन थे बिना पढ़े ही टिक करते गए, टिक करके दे दिया, नंबर भी आ गया। और इंटरव्यू के लिए जब गए भैया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, बस देखा मेरा रिज्यूमे, कहे आप सिलेक्ट हैं, एटलीस्ट नाम तो पूछ लेते, नाम भी नहीं बोले। अब ये भी देखिए भैया, जब मैं वहां गई, पहले तो उन्होंने देखा, बोले ऐसे नॉर्मली राम राम, मैं एकदम शॉक, राम राम, वो भी बैंक में नॉर्मली। लेकिन वो कॉल पे थे, वो मुझे राम राम नहीं बोले, लेकिन वो कॉल पे थे, लेकिन राम राम बोले, मुझे ऐसा लगा कि मुझे राम राम बोल रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो मतलब हो, अब तो है, होना ही है, मेरा जॉब होना ही है। इंटरव्यू भी मेरा सैटरडे को हुआ, मुझे ज्वाइनिंग लेटर ट्यूसडे को मिली, और मेरा ज्वाइनिंग डेट भी जो था वो ट्यूसडे को था। क्या बात है, सारा जो भी मेरा काम था वो ट्यूसडे को ही, उन्हीं के दिन पे ही हुआ। और ये जो मैं जॉब कर रही हूँ भैया, उन्हीं के देन है, मैं कर रही हूँ। बहुत, बहुत बड़ी कृपा है आप पर बहन, मैं तो यही कहूंगा। मतलब जो जर्नी रही है शिव जी की भक्ति, और शिव जी तो हनुमान जी है, हमारे प्रिय बालाजी महाराज, उन्हीं के अंश है, उन्हीं के अवतार है। तो जितने भोले भोलेनाथ है उतने भोले हमारे प्रिय हनुमान जी है। तो आपने देखा, जैसे जैसे हनुमान जी की भक्ति बढ़ी, वैसे वैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो गए। और फिर एक छोटा सा सवाल आगे बढ़ने से पहले, जैसे वो नेगेटिव एनर्जी आप पर जो हावी हो रही थी, उससे आप कितने साल मतलब पीड़ित हुए, कितने साल वो रही, और मेदीपुर जाने के बाद वो परमानेंटली निकल गई या उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हुई? नहीं देखिए, जो नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट था ना, वो एक हफ्ते तक ही था ज्यादा से ज्यादा, जो मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी वो एक हफ्ते का ही था। जब मैं वहां दिखा लिया, जो लेडीज थी जो देखी थी मुझे, वहां से थोड़ी सी राहत मिली थी, मान के चल सकती है कि 2 साल थे, दो साल जो अंदर अंदर थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था उतना, क्योंकि वो की थी। हाँ, मेहंदीपुर जाने के बाद ठीक हो गया था, परमानेंट ठीक हो गया। परमानेंट ठीक हो गया, उसके बाद से ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आई, क्योंकि दोबारा वो आने ही नहीं देंगे, नहीं देंगे। अभी आप बजरंग बली की शरण में है, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हम नित्य हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। और जीवन में देखिए उतार चढ़ाव तो आते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से जुड़ा कोई परिणाम होता है, मगर प्रभु हमें बल देते हैं, और इस संकट समय में अगर आप प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये सिचुएशन भी पार हो जाती है, ये भारी समय भी बीत जाता है। जॉब की चैलेंज आई, मगर देखिए प्रभु ने किस तरह सारी सुविधा कर दी, ये सब कुछ आपके अनुरूप हो गया। वो कहता है ना, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पे इतना बड़ा चैलेंज था, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मेरा नहीं होगा, वहां पे वो एग्जाम क्लियर होना, इंटरव्यू में सडनली किसी का राम राम बोलना, वो भी बैंक के इंटरव्यू में, भले वो किसी और के लिए बोलते मगर समझिए ये आपके लिए था। ये कहीं ना कहीं बजरंग बली का संकेत था कि चिंता ना कर, सब सही है, मैं तेरे साथ हूँ, पर आपने तो उन्हें भैया माना है।
तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता करने, आपकी रक्षा करने, साये की तरह आपके साथ हैं। आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अभी सब कुछ आपने उन पर छोड़ दिया है। तो नेगेटिव एनर्जी तो कोसों दूर रहेगी, क्योंकि आपके माइंड, आपके हृदय में प्रभु के नाम का स्मरण चल रहा है। तो नेगेटिव एनर्जी भला आपका क्या बिगाड़ पाएगी? कोई बिगाड़, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बस आप नित्य उनके नाम का स्मरण ऐसे ही करते रहें, यही प्रार्थना, उनकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहें। और भी कोई अनुभव तो प्लीज प्लीज शेयर करें, हम रोज सुनना चाहेंगे। एक और मेरा अनुभव है, जॉब से ही रिलेटेड है वो भी। जब मैं ये जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पे मैं अभी हूँ, इस पोस्ट पे कोई नहीं था, सिर्फ एक अकेले 25 कैंडिडेट में से मैं ही एक थी इस पोस्ट के लिए, और इस पोस्ट पे कोई टिकता भी नहीं है। ये ऐसा था जब मैंने ज्वाइन किया था, सब लोगों ने, जो मेरे ट्रेनर थे, उन्होंने कहा ये लड़की ये नहीं कर पाएगी, ये एक दिन नहीं टिकेगी, डिमोटिवेट कर रहे हैं। फिर मेरा जब ट्रेनिंग खत्म हुआ, वहां पे जब कुछ लोगों ने बोला ये एक हफ्ते नहीं टिकेगी, हम कहे ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे। फिर जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ, जब मैं अपने ब्रांच पे गई, जिस दिन पहला दिन था भैया, जब हम पहले कहीं जाते हैं तो लोग मोटिवेट करते ना, मुझे इस यहाँ पे आते टाइम मुझे इतना डिमोटिवेट किया गया। लेकिन मेरा ये था, भगवान मेरे साथ है, भैया मेरे साथ है, सब सही होगा। मैं वो कह, जब ब्रांच पे मैं गई, वो एक सर है, उन्होंने कहा ये लड़की ये नहीं टिक पाएगी, ये एक आध महीने में रिजाइन देके चली जाएगी। फिर ठीक है, चैलेंज लेते हैं। वैसे भी मैं अपनी पूरी लाइफ में चैलेंज लेके ही चली हूँ, तो एक और चैलेंज सही मैंने क्या किया। लेकिन जो डिमोटिवेट कर रहे थे, मन में कहीं ना कहीं वो बैठ गया था कि होगा भी या नहीं होगा, ऐसे में बहुत टेंशन में थी। तो फिर उस टाइम पे मैंने बागेश्वर बाबा के बारे में पढ़ा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं बागेश्वर बाबा से जुड़ी। ज्वाइनिंग दूसरे दिन वहां पे बोला गया कि वो क्या बोलते हैं, भूल रही हूँ मैं भैया, जो मन्नतें मांगते हैं, अर्जी लगाना सॉरी। वहां पे जब मैंने ये वीडियो देखा, वहां मैंने देखा अर्जी लगाना, घर पे भी बैठे बैठे अर्जी लगा सकते हैं। तो मैंने ये चीजें देखा, मैंने सोचा कि मैं ये करती हूँ। और ये देखिए भैया, जब मैंने यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास जो है उतने पैसे नहीं थे, मैंने घर पे भी मतलब घर से नहीं मांगना चाहती थी मैं सोचती कि मैं अपने से ही करूं, घर से क्या ही मांगू। तो मेरे पास हम मांगेंगे नहीं, मेरे पास बस 200 ही रुपए बचे थे, क्योंकि मैं नया शिफ्ट हुई थी तो सारी चीजें लेके आनी थी, खरीदनी थी, रेंट भी देना था। तो मेरे पास बस 200 बचे थे और समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूंगी कैसे, अर्जी कैसे लगाऊंगी, सामान भी तो लेके आना है, कैसे करूंगी मैं। क्या हुआ कि मैं जा रही थी रास्ते में, 300 गिरा था रोड पे ही, एकदम आसपास कोई नहीं है, 300 गिरा हुआ, एकदम कड़क कड़क नोट थे, वैसे ही गिरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई मतलब ऐसे करके वहां पर रख दिया हो, वो भी मेरे ही लिए। कोई वहां था नहीं, मैं आसपास देखी, कोई तो दिखे कि किसी को तो दिखे मैं पैसे उठा के दे दूं, लेकिन कोई भैया नहीं दिखा वहां पे। तो फिर मैंने सोचा लू या ना लू, क्या करूं, मन में था। फिर मैंने सोचा भगवान भैया बताइए लू कि ना लू। मेरा ये है ना कि मैं ज्यादातर मैं अपने मन में बातें करते रहती हूँ, किसी से नहीं बोलती, मैं उन्हीं से बोलती हूँ। कुछ भी सवाल करना रहता है ना, पहले उनसे पूछती हूँ भैया ये करूँ कि ना करूँ, ये सही होगा कि नहीं होगा, एज ए गाइडेंस, गार्जियन के तौर पे मैं उनको ही लेके चलती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है कि मेरे पास पैसे भी नहीं और मुझे अर्जी भी लगाना है। तो ये ध्यान में आया और पैसे देखे तो मुझे लगा ये पक्का भैया ने ही किया होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं। मैंने वो पैसे उठाए, उसके बाद से जो चीजें होती हैं अर्जी की, वो चीजें लेके आई, मैंने मंदिर बनाया, क्योंकि मैंने अभी तक मंदिर भी नहीं बनाया था, तो मंदिर बनाया। मेरे पास जो है हनुमान जी की मूर्ति भी नहीं थी, तो मैंने वहां पे हनुमान जी की पेंटिंग बनाई, वो भी मैं आपको फोटो भेजूंगी। मैंने वो लगाई वहां पे, रख के मैंने वहां पे अर्जी बांधी। आप भैया विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने में मैंने इतना अच्छा काम किया ना, इतना अच्छा काम किया, मेरी हर जगह तारीफ हुई, हर जगह, हर हफ्ते में मेरी फोटो निकलती थी, मेरे काम का अप्रिशिएट किया जाता था। और 6 महीने में मैंने कभी एरोप्लेन में नहीं बैठी थी, मैं बस देखती थी और सोचती थी कभी तो जाऊंगी, लेकिन भैया की कृपा से इन 6 महीनों में मुझे 2 अवार्ड भी मिले और मेरा प्रमोशन भी हुआ, और तो और मैं एरोप्लेन में बैठ के बैंक के तरफ से 2 दिन घूमने भी गई, जो कि मेरा सपना था। मतलब मैं इतना उपकार किए हैं मेरे ऊपर ना, कि मतलब नहीं बता सकते हम, इतना उपकार किए हैं, इतना साथ दिए हैं,
6 महीने में मेरी इतनी तारीफ हुई ना कि जो लोग बोलते थे कि ये एक दिन नहीं टिकेगी, वो लोग बोलते थे अरे तुमने 6 महीने में इतना अच्छा काम करके दिखा दिया। मेरी तारीफ, मेरे एक सर है जो मैनेजर है, वो मेरा एग्जाम्पल देते थे कि आसमान का चमकता हुआ सितारा है, इतनी बड़ी उपाधि दे दी, मतलब बोल दिए हमको। कभी मेरी ऐसी मतलब नई तारीफ नहीं हुई थी, लेकिन मैनेजर के मुंह से ये शब्द सुनना कि तुम उसके जैसा बनो, वो जैसा काम करती है वैसा करो, वो मुझे बोलते थे, लेकिन मैं धन्यवाद करती थी भैया की कि सारी कृपा उन्हीं की है, उन्हीं की वजह से हो रहा है। अब मैं जब भी आती जाती थी कहती देख रहे हैं भाई ये सब आप ही का कमाल है। यही तो है, जब हम दुखी होते हैं, जब संकट आता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब तो हम प्रभु की शरण में जाते हैं। मगर कई बार हमसे ये भूल हो जाती है कि सब कुछ प्रभु तो दे तो देते हैं, उसके बाद हम प्रभु को भूल जाते हैं। मगर आपके केस से कई लोगों को लाइफ लेसन मिलेगा कि नहीं, जो भी सफलता मिली उसका श्रेय आपने प्रभु को दिया, आपने प्रभु को प्रमुख रखकर अपने कार्य को आरंभ किया। नई जॉब थी, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद आपको जॉब मिली, प्लस जॉब मिलने के बाद आपको इतना डीमोटिवेशन मिला, मगर जो भी आपको डीमोटिवेट कर रहे थे उनको नहीं पता था कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े मोटिवेशन आपके साथ थे, आपके बड़े भाई के रूप में। तो भला कोई आपको कैसे भले देखिए दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर आपका विश्वास, आपका जो माइंडसेट है वो रॉक सॉलिड है। मेरे भैया मेरे साथ हैं, तुम रक्षक का हो को डरना, जब वे साथ है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ पे 200 रुपए और कहाँ पे एरोप्लेन की 2 फ्लाइट आपने जैसे 2 बार आप बैठ के आए। देखिए ये यही तो है, यही तो लीला है, असंभव को संभव केवल वे ही कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मैंने उदाहरण देखे हैं, फर्श से अर्श तक की कहानियां सुनी है, उसमें आपका ये उदाहरण, जैसे कई महिला भक्तों से, इनफैक्ट पुरुष भक्त, हम जैसे पुरुष भक्तों को भी मोटिवेट करेगा कि नहीं, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मगर जीवन में कभी भी प्रभु पर से अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, वे हमेशा आपके साथ हैं। संकट आएगा, संकट अप्स एंड डाउन आते हैं, वो प्रारब्ध होता है, उसे भोग लो धीरज रखकर, मगर अपने मन में जो प्रभु का स्मरण है उसे कभी भी बंद मत होने देना, वे आपको बल देंगे। और ये जो समाज में कहता है ना कि महिला बजरंग बली की भक्ति नहीं कर सकती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है। देखिए आपका एक अनुभव उदाहरण है, और ऐसे कई, और आपने देखा होगा हाल ही में पिछले 2-3 महीने में मैक्सिमम महिला भक्तों ने इनिशिएटिव लिए अपने अनुभव शेयर करने के लिए। तो ये और क्या प्रमाण चाहिए, यही तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि नहीं, भक्ति करने से कितना बल मिलता है महिला भक्तों को। नहीं आप करिए, बस यही प्रार्थना है, आपके आपकी जो तरक्की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रभु आपकी ऐसे ही सहायता करें, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है। और भी कोई ऐसे आप बताएं, और भी कोई अनुभव तो बता सकते हैं। यस, एक भी अनुभव भैया मैं बता रही, जो अभी आपने बोला ना कि तरक्की मिल जाती है तो हम भूल जाते हैं, हालांकि मैंने उनको श्रेय दिया था, गलती मुझसे एक बीच मुझसे भी हुई थी। ओके, बोलिए। गलती यही भैया, तरक्की मिली जो मुझे, उनका श्रेय मैंने उनको हमेशा ही दिया है और देती ही रहूंगी मैं। और गलती मुझसे ये हुई थी बीच में, जब मेरा काम अच्छा चल रहा था तो होता है ना कुछ लोगों को जलन होने लगती है। yes. तो उस जलन को देख के मेरे अंदर थोड़ा सा तो घमंड जो बोलते हैं ना ये आ गया था, और यही गलती मैंने की थोड़ी सी, कि मैं क्या हुआ कि पूजा पाठ करना मेरा जो है ना, क्योंकि मुझे टाइमिंग बहुत कम मिलने लगा था, क्योंकि मुझे इतनी वो चीजें मिल गई थी, मुझे यहाँ ट्रेनिंग भी कराना था लोगों को और सिखाना भी था, तो उसके वजह से ना मुझे टाइमिंग थोड़ा कम मिली थी। तो मैं क्या करती थी कि हाँ जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूँ, पढ़ती थी चली जा, लेकिन जल्दी जल्दी वो भाव नहीं कर रही थी, मैं भाव नहीं दे रही थी मैं, तो मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब भैया जो है मुझसे नाराज हो गए हैं, मुझे ऐसा भाव आने लगा कि वो नाराज है। भाव आ रहा था लेकिन मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया कि भाव आ रहा है तो मैं उसे ठीक करूं, मैं अपनी ही उसमें इतना व्यस्त हो गई कि ध्यान नहीं दिया। ये मेरे साथ 3-4 महीने चले, थोड़ी फैमिली में भी सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई थी, जिसके वजह से दिमाग मेरा उस साइड चला गया, भक्ति से हट गया, और फैमिली का वो चीजें देखे और अपना जॉब का देखे, मेरा जॉब भी थोड़ा सा डाउन होने लगा। अब देखिए मैंने वहां से अपना विश्वास हटा दिया, उनको टाइम देना बंद कर दिया, तो मेरी लाइफ कैसे ऊपर से नीचे आने लगी। और फिर क्या हुआ, ऐसे फिर से वही सिचुएशन शुरू हुआ, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का हुआ, टेंशन वगैरह, फिर वही गुस्सा, फिर वही बैठे बैठे मैंने सोचा बहुत दिन हो गए आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। पहले जब भी मैं कहती थी भैया मानेंगे, जब भी मैं मन में सोचती थी भैया बहुत दिन हो गए दर्शन दिए, दर्शन कब देंगे, तो बंदर के रूप में वो मुझे दर्शन दे देते थे। तो अब कनेक्टिविटी जो है वो छूटने लगी मुझसे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही बैठे, एक दिन बैठी रही तो सामने से ना बंदर गया,
पहले मैं बंदर देखती थी तो वो मुझे भी देखते थे, तो ऐसा लगता था कि वो मुझसे ही मिलने आए और मैं उनको देख रही हूँ, वो मेरे की तरफ देख रहे। लेकिन जो वो उस दिन बंदर जो सामने से जो गए ना, वो सीधे ही गए, वो मेरी तरफ देखा नहीं, तब मुझे थोड़ा सा ना लगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं वहां गई मंदिर पे अपने, वहां बोला, माफी भी मांगी और बहुत रोई भी कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, कि आप मुझसे नाराज मत होइए भैया। मुझे बागेश्वर धाम भी जाना था, जब मैंने अर्जी लगाई थी ना, उस टाइम से मैं सोच रही थी कि बागेश्वर धाम जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। ठीक है, अभी तो उस दिन जब मैंने देखा ना, तो उसी रात को मुझे सपने में एक मंदिर दिखा। उस मंदिर में साक्षात वही हनुमान भैया है जो उस टाइम सपने में मुझे दिखे थे, जैसे वेश में, जैसे उनका लाल लंगोटा, एकदम सेम वही थे वहां पे। मैं एकदम से जय श्री राम बोल रही हूँ। मेरी मम्मी भी हैं साथ में, और भी मेरी दो एक फ्रेंड है वहां पे, और वो मंदिर, उस मंदिर में वो हैं हनुमान भैया, और मैं बाहर से जय श्री राम बोल रही हूँ, तो कह रहे हैं अब तुम जाओ यहाँ से। गुस्से में थोड़ा सा होता है ना रूठना, तो वैसे बोल तुम जाओ यहाँ से। तो मैं, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मैं रो के बोल रही हूँ, क्यों भैया आप मुझसे नाराज है क्या, आप मुझसे नाराज मत होइए, मैं वहां भी माफी मांगी हूँ, ऐसे बोल के उनसे माफी मांगी हूँ। तो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है अब जाओ। तो उस जो ये वर्ड बोले ना, अच्छा ठीक है अब जाओ, आराम करने का टाइम आ गया प्रभु, आराम करने का समय आ गया प्रभु का, ऐसे बोले उन्होंने। तो फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी रहती हूँ, फिर जब नींद खुलती है तो देखती हूँ 6 बज रहे हैं। मैंने मंदिर उससे पहले कहीं नहीं देखा था वो मंदिर, कि कौन सा मंदिर है। उस टाइम मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि प्रभु ने मुझे दर्शन तो दिए, चाहे गुस्से में ही दिए हो, कैसे भी दिए हो, दर्शन तो दिए उन्होंने। ठीक है भैया, अभी पिछले महीने की बात मैं बता रही हूँ। मैं कैसे भी, मैंने बोला भैया, बागेश्वर भैया को, कि आप कैसे भी अब मुझे बुलाइए। उनकी पूजा करने लगी मैं, उनका जो मंत्र जब होता है वो बागेश्वरायण में, वो जब करती थी मैं पूजा करने लगी। मैंने बोला अब मुझे नहीं पता है कि आप बुलाएंगे, थोड़ी सी मैं जिद्दी भी हूँ। तो क्या हुआ कि अभी पिछले महीने की बात है, सडन प्लान बन गया जाने का, मैं गई सडन ही। टिकट कराया था, टिकट कंफर्म नहीं था, ट्रेन चेंज करके गई, इतना रिस्क लेके बिना टिकट के गए, वहां से बिना टिकट के बैठे तो थे ट्रेन में। बस बात ये थी कि कोई टीटी नहीं आया चेक करने के लिए, कि वो चेक करे टिकट दिखाइए। हाँ, एक बीच में आया भी था, बट वो मैंने, हमने कहा कि मतलब ऑनलाइन टिकट है, तो उन्होंने कहा कैंसिल ही है फिर तो, लेकिन कुछ बोले नहीं, वो इतना बोल के चले गए। और मैं मन में राम राम बोल रही हूँ, भैया बचा लेना, भैया बचा लेना, कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, बस मुझे आपसे मिलने की इच्छा थी इसलिए मैंने ऐसे किया। लेकिन बोलते हैं ना कि जब वो बुलाते हैं, बुलावा आता है तभी हम जा सकते हैं वहां पे, उनका बुलावा आया था, मुझे कैसे भी जाना ही था। तो जब मैं वहां पहुंची और परिक्रमा पहले करते ना, तो 21 बार मैंने परिक्रमा किया, और जो मंदिर था, और वहां मैं जैसे ही चढ़ी भैया, वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ना होता है 7 बार 11 बार, जितने बार भी आप पढ़ सके, तो मैं वो चालीसा लेके पढ़ी रही थी, तो मेरे तो किताब रहता है, मुझे कंठस्थ हो गया, तो मैं आंखें बंद करके और हाथ में पुस्तक रहती, मैं पढ़ती रहती हूँ। तो क्या हुआ कि अभी पहला हनुमान चालीसा पढ़ ली, जब दूसरी बार आया तो सडन से मेरे दिमाग में आया, अरे ये तो मंदिर मैंने देखा है कहीं, हमें ये मंदिर कहीं ना कहीं तो देखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने ये मंदिर कहाँ देखा है। फिर धीरे धीरे भैया, अरे ये तो वही मंदिर है जो उस दिन मैंने सपने में देखा था मम्मी के साथ। बिल्कुल, मम्मी के साथ एकदम वही बैठ के मैं रोने लगी, मेरे आसपास के लोग देखने लगी कि मतलब क्यों रो रही है, वही रोने लगी। और मतलब इतना कृपा भैया मेरा, ये सब करने के बाद से भी आपने मुझे माफ कर दिया। वे बहुत दयालु है, वे करुणा के सागर है। भक्त चाहे प्रभु को भूल जाए, लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। जैसे माता पिता अपनी संतान अगर ऑफ ट्रैक जा रही है तो उसे ठीक है थोड़ा डांटेंगे करेंगे, मगर उन्हें फिक्र रहती है कि अरे नहीं ये वापस सब सुधर जाए, तो थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहे थे। देखिए समाज है, होता है, हमारी मनुष्य बुद्धि सीमित दायरा में, हर बार कहता हूँ, हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, मगर प्रभु दयालु हैं, उनको पता है कि ये उचित नहीं है मेरे भक्त के लिए, तो वे वैसे ही लीला करेंगे, वो आपको वो विचार भी देंगे बार बार। जैसे आपने कहा ना, मुझे वो विचार आ रहे थे मगर मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मैं संसार में पड़ी थी, जॉब में हो या फैमिली इश्यूज हो, मैं भूल रही थी, मतलब जो मेरा जो नित्य क्रम था, जो कनेक्टिविटी थी प्रभु से, वो छूट रही थी।
मगर प्रभु नहीं छोड़ेंगे, वे वापस आपको ऑन ट्रैक लाए। भले वो रियलाइजेशन हो, आपने कहा कि नहीं मुझसे गलती हो गई, आपने माफी मांगी, अच्छी बात है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस है कि आपने, आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई और आपने माफी मांगी, और वे तो दयालु है, वे तो बहुत दयालु है। वे फिर से देखिए सब कुछ नॉर्मल हो गया और आपकी आपका जो विश्वास था वो फिर से प्रभु के प्रति दृढ़ हो। तो बहुत ही विशेष कृपा है बहन, हम यही प्रार्थना करते हैं आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए वैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। जब मैंने उन लोगों का वीडियो देखा और मैंने ये देखा कि इतने दिन का संकल्प लेके कर रहे हैं, उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं भी करूंगी तो मेरे साथ भी ऐसा अच्छा होगा। तो वो एक मोटिवेशन जो बोलते हैं ना, वो वीडियो देखे, उनका जो वो एक्सपीरियंस वगैरह है, वो चीजें देखे मुझे भी मोटिवेशन मिला कि मैं भी कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये कहीं ना कहीं भक्त एक दूसरे के अनुभव देखकर मोटिवेट होते हैं, और संकल्प से तो मैं तो यही कहूंगा अनगिनत भक्तों का उद्धार हुआ है, वे प्रभु से जुड़ रहे हैं। संकल्प में तो नॉर्मल हम पाठ ही करते हैं चालीसा के, मगर प्रभु जुड़ पा रहे हैं, उनका विश्वास प्रभु के प्रति अटूट हो रहा है और प्रभु हर मनोकामना उनकी पूर्ण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। कराने वाले पीछे बैठे हैं, हम तो नियमित है, आप नियमित है, मैं नियमित हूँ। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? इनका बखान करें तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे भैया, लेकिन फिर भी मैं जो बोलना चाहूंगी, कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, ये मैं खुद भी यूज करती रहती हूँ जब भी मतलब उसमें पढ़ती हूँ ना दीप्ता में, तब मैं उनको ये याद करती हूँ बोल के, और वो चीजें होती भी हैं। मैं तो कहता हूँ हर भक्त को कि ये जो पंक्ति है ये अवश्य एक प्रार्थना स्वरूप हम प्रभु के सामने रख सकते हैं कि प्रभु ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपके लिए असंभव हो। तो मेरा इस छोटे से भक्त का छोटा सा कार्य है, मतलब एक विनती है, एक प्रार्थना है जो हम प्रभु को कर सकते हैं पूजा पाठ के दौरान। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम भैया।